गाइस तो बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है रिलेटेड टू हमारा कि प्रोटीन क्या जो सप्लीमेंट होता है वो यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। गाइस कैसे हो आप लोग, मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस, जरा एस्थेटिक्स मनीष सॉरी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रोटीन हमारे लिए जो सप्लीमेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं। देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, सप्लीमेंट जो होता है वो प्रोटीन आप अपने डाइट से भी फुलफिल कर सकते हो, बशर्ते क्या होता है कि ईजी टू कैरी, ईजी टू डाइजेस्ट, आप बहुत कम टाइम में मीन्स लाइक आप 24-25 ग्राम प्रोटीन अधिक खाते हो जिसमें आपको कम से कम 6-7 अंडा खाना पड़ता है करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम मीन्स उनको खाने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से आप चाहो तो प्रोटीन आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। पहली बात, दूसरी बात कि जब आप जिम करते हो तो आफ्टर जिम मीन्स वर्कआउट करा, आफ्टर वर्कआउट क्या होता है हमारा रिकवरी, बॉडी को 40-45 मिनट्स में रिकवरी चाहिए प्रोटीन इनटेक, तो आप कोई भी फूड यदि खाते हो तो उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपका जो मसल होता है जितना रिकवर जो पहले से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है उससे होता है, बाकी हमारा अच्छे तरीके से जो रिकवरी होता है वो नहीं हो पाता। बाकी सप्लीमेंट के अंदर हमारा BCAA ग्लूटामाइन होता है जो कि रिकवरी का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो इस बेबी में हम प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रोटीन जो आप यूज़ करते हो वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आप कोई प्रोटीन को यूज़ करते हो, कोई सप्लीमेंट अधिक फेक निकलता है, फिर आपको कुछ इंटरनली प्रॉब्लम होता है लीवर किडनी में, जिसकी वजह से फिर आप सोचोगे कि सप्लीमेंट खाने से हार्मफुल बहुत सारा इफेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो जो सप्लीमेंट होते हैं वो भी हमारा जो सोर्सेस ऑफ फूड लाइक हमारा सोया चंक हो गया, मिल्क का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। तो ऐसा नहीं है, यदि आपके पास बजट है तो आप यूज भी कर सकते हैं, और यदि आपको है कि लॉन्ग टाइम लाइक बग कि चलो विथआउट सप्लीमेंट भी आप जो है अपना डाइट को फुलफिल कर सकते हो, चिकन एग सोया चंक इन सब चीज़ों को खाकर भी आप अपना प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज सप्लीमेंट जो है वो मतलब ऐसा नहीं कोई कंपलसरी आप खाओगे तो सप्लीमेंट खाने से आपकी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कैलोरी इंटेक करते हो पूरे दिन में, जो आपको वेट गेन करना है मीन्स लाइक मसल गेन करना है करके, तो आप गुड मतलब गुड फूड मीन्स लाइक गुड डाइट, कितने क्लीन डाइट लेते हो, कितने अच्छे अमाउंट में प्रोटीन इंटेक लेते हो, कितने अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, गुड फैट्स लेते हो, वो हमारा इस पे डिपेंड करता है, ना कि सप्लीमेंट पे और अंडे चिकन इस तरीके के मतलब जो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भी में लो लेकिन प्रोटीन को जो रिक्वायरमेंट आपका बॉडी का है मतलब ऑलमोस्ट लाइक आपके जो बॉडी वेट है उसके दुगना, जैसे आपका बॉडी वेट सपोज डेट 70 kg है तो आपको पर डे का 150-170 ग्राम प्रोटीन इंटेक चाहिए, तो वो चाहो तो आप सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हो, चाहो तो आप उसको डाइट के थ्रू भी ले सकते हो गाइस। तो व्हाटएवर जो भी है आपको इस तरीके से जो भी है सप्लीमेंट यूज कर भी सकते हो, और आपका दिन नहीं मन है कि आप फुलफिल कर सकते हो डाइट से तो आप उससे भी मेंटेन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर नहीं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी प्रकार के आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल एस्थेटिक्स मनीष पे मिलता रहेगा, और बाकी ब्लॉगिंग भी जो भी है, मैं फुल डे ऑफ फिटिंग भी जल्दी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो फुल डे ऑफ फिटिंग आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।